हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। भीनमाल श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा भगवान श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को भीनमाल में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूरा शहर केसरिया साफा से भगवामय नजर आया। शोभा यात्रा के दौरान दर्जनों स्थानों पर दोनों समुदायों पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा मार्ग पर दर्शकों का हुजूम देखा गया। साया 4 बजे फाफरिया हनुमान जी मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो भादड़ा चुगी नाका पहुँचने पर और मुस्लिम समाज के द्वारा पुष्प वर्षा व शरबत पिलाकर लोगों का स्वागत किया गया। इसके बाद हाई स्कूल मार्ग, कुल्फी फैटी, बाबा रामदेव चौक, होली चौक, पुराना जुंजाणी बस स्टैंड, गांधी चौक, पुराना पुनासा बस स्टैंड, सोनारों का मोहल्ला, बंजारा समाज मोहल्ला, गांजी का चौहटा वो धोरा डाल होकर विवेकानंद सर्कल पहुंचने पर नपा उपाध्यक्ष प्रेमराज भोरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर वो पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा नगर पालिका के मुख्य द्वार होकर शाम करीब 6:30 बजे मार्ग चौक पहुंची। यहां भगवान श्री राम की महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर केसरिया साफा धारण किया हुआ था। शोभा यात्रा में देशभक्ति के गीतों की धुन पर लोगों ने नृत्य कर प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा के द्वारा प्रत्येक गली मोहल्ले के मकानों की छत से पुष्प वर्षा व भगवान श्री राम के जोशीले नारों के साथ स्वागत किए गए। लोगों की होड़ मची हुई थी। शोभा यात्रा के दौरान विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आत्मरक्षा को लेकर हैरत अंगेज कर बद कार्यकर्ताओं के हाथों में बड़े बड़े भगवे ध्वज, घुड़ सवार राम भक्त, आदर्श विद्या मंदिर व ब्रह्मा कुमारी राज्य केंद्र सहित करीब आधा दर्जन राष्ट्रवादी संगठनों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा, तहसीलदार राम सिंह राव, थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह, एएसआई जुगत सिंह व भैरू सिंह सोलंकी, चौकी प्रभारी भरत सिंह व यातायात प्रभारी वगाराम के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। यहां तक कि पुलिस उप अधीक्षक स्वयं शोभा यात्रा के आगे डीजे के साथ चलकर लोगों को नियंत्रण कर रही थी। रैली में विधायक पूरा राम चौधरी, प्रधान किरण भारतीय, पूर्व नपा अध्यक्ष सामला राम चौधरी, आरएसएस के जिला कार्यवाह भूपेंद्र माली, भाजपा नेता हेमलता जैन, पार्षद वंदना शर्मा, जय सिंह राव, युवा कांग्रेस नेता श्रवण सिंह राठौड़ दासपा, शोभा यात्रा संयोजक संजीव माथुर, विहिप के जिलाध्यक्ष वचन सिंह राव मड़धर, भाजपा नेता जोरावर सिंह राव, शेखर व्यास, भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, भरत भोजानी, मंडल अध्यक्ष टीकम सिंह राणावत, श्री राम सेना के प्रदेशाध्यक्ष शैतान सिंह भाटी, संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, नरेंद्र आचार्य, पारस मोदी, धन सिंह राव कोटिडा, महेंद्र जी नगर, अशोक मेहता, तुकराज कानूगो, रमेश मेहता, दिनेश लंगर, सुनील जैन, दिनेश दोषी, मुकेश बाफना, परसाराम कंसारा, यूथ फॉर नेशन अध्यक्ष सतीश सेन, सतीश दुआ, श्रवण सिंह राव, जगदीश सिंह राव, बद्री नारायण बोहरा, चंदन सिंह आसना, उत्तम सिंह सोलंकी, नितेश सोलंकी, शंभू सिंह राव, उत्तम सिंह पेंटर, योगेश टांग, जीतू बंजारा, अजमल बंजारा, अर्जुन बंजारा, महादेवा राम घांची, अंकित दुआ, मनोहर सिंह राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।